मेरी आंखें, रोशनी कितनी ज्यादा है। दोपहर हो भी गई, सुबह से थी ट्रेनिंग, मेरा पेट है खाली, मुझे रैप है पसंद करना था तगड़ा लंच। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आज मैं सासुके वर्सेस किलर भी थग लाइफ एंड फनी मोमेंट्स के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी दूर आने के बाद हम हार नहीं मान सकते। तब तक हमें सासुके का कोई सुराग नहीं मिल जाता, हम अपनी तलाशी जारी रखेंगे। ये नहीं हो सकता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जितना हो सकता था हमने किया, लेकिन अब हमें वापस इडन लीफ लौट जाना चाहिए। सासुके। A few moments later. जब कभी मैं फुल मून देखता हूँ, मुझे उस रात की याद आती है। जाओ भाग जाओ और अपनी जिंदगी को बचा लो। मैंने तब उसे रोते हुए देखा था, मुझे लगा कि मैंने इमेजिन किया था। लगता है आपने मुझे जो भी कहा सब सच है। जो इटाची देखना चाहता था और अब से मैं जो देखूंगा वो बहुत ही ज्यादा अलग होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी किसामे। मुझे लगा था कि तुम खत्म हो चुके हो टोबी। लगता है तुम्हें सबसे आखिर में पता चलने वाला है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं कभी सोच भी नहीं पाता कि तुम टोबी हो। अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इटाची नहीं रहा और अब उसका छोटा भाई हमारे साथ है। हम टाका लीफ का नामो निशान मिटा देंगे। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? औकात में रहो। कहना बहुत आसान है पर कैसे? अगर तुम ऊपर वालों पर हमला करोगे तो दूसरे उन्हें बचाएंगे। ये उतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। एक बात याद रखो के समय, तुम हमें कम समझने की गलती मत करना। बस करो सुगेत्सु, बहुत हुआ। सासुके नींद ही अच्छे से चल रही है। इसने सब अपने हाथ से मुझे रोक दिया। सुगेत्सु इतना भी नहीं समझते, इसके लिए ना ये सही वक्त है ना ही जगह। मेरा मकसद सिर्फ उसका वो स्वॉर्ड समय हरा पाना है। लेकिन इतना जान लो, अभी इससे जीतना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। हम सबका मकसद एक ही है, इसलिए आपसे टाका अकात्सुकी के साथ मिलकर काम करेगा। अच्छा ये बात है। बिल्कुल जानते हैं, वो ढेर सारे चक्र हैं जो 19 की तरह फिजिकली 20 में मैनिफेस्ट हो जाते हैं और वो उन होस्ट के। इसका मतलब क्या है? हालांकि अगर तुमने अकात्सुकी के साथ गद्दारी की तो तुम बचोगे नहीं। टाका और अकात्सुकी दोनों अलग अलग उन आखिरी तीनों को ढूंढेंगे, यही होगा हम सबका मकसद। तो बताओ, इटाची अब नहीं रहा इसीलिए हमें अब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब हम अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। इटाची को यकीन था कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता था, तो फिर इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हमने हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना किया। ससोरी, हिदन, काकुजू, उनके बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैंने सासुके का भरोसा जीत लिया है। तुम नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं कुछ नहीं बताने वाला।
बताओ एक टेल्स मुझे कहाँ मिलेगा? वो कई ब्लेड चला सकता है, 8 ब्लेड्स। उसके दाएं कंधे पर स्टील टैटू किया है। उसकी आंखें और बेहतर हो गई हैं। ओह वाव! सास्के अब और कूल हो गया है। मेरी आंखें, रोशनी कितनी ज्यादा है। दोपहर हो भी गई। सुबह से थी ट्रेनिंग, मेरा पेट है खाली, मुझे रैप है पसंद, करना था तगड़ा ब्रंच। क्या तुम 8 टेल्स के जिंचूरी के होस्ट हो? तुम मुझे लॉर्ड 8 टेल्स सर बुला सकते हो। नहीं रुको, तुम कहो कि आप लॉर्ड जिंचूरू की हैं सर, समझे? मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने आया हूँ। तो तुम्हें कहना चाहिए, रुकिए, मुझे आपको पकड़ना है सर, प्लीज। करिन, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। चलो देखते हैं। पता है ना, हम जिंचूरी की को खत्म नहीं कर सकते। मुझे अगर कोई पकड़ सकता है तो वो हूँ मैं खुद। वापस आ जाओ सुगेत्सु। मेरे सामने जो आए होगा उसका पागलपन, जो फिर भी करोगे कोशिश हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, जरा देखो मेरे पास है। अब है ना लाइन पे? लड़ाई जो है जारी, ये तो है सिर्फ शुरुआत। ना कहना तुम मुझसे कि नहीं सुनी बच्चों की बात। तुम ठीक हो? तुम सब आखिर हो कौन? बेअकल, ना समझ? तुम अपना मुंह बंद करोगे या नहीं? मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, हमें इस अजीब से रैपर के साथ लड़ना ही क्यों है? तुम्हें पसंद नहीं तो चले जाओ। मुझे देखना है अकाश की अपना वादा निभाता है या नहीं, या वो सच में हमें टेल पीस दे पाएगा। अकात्सुकी? हाँ बिल्कुल। तुम कितने कूल हो सास्के, बहुत तेज हो रहे हो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आपको ऐसे ही फैनी मूवी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।